हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस क्लास से आपको ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के तुलनात्मक जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आते हैं। कि एग्जाम्पल के लिए इस तरह से हो सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य उच्च न्यायालय कर सकता है, उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय नहीं कर सकता है, या फिर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें इनकी तुलना की ज़रूरत पड़ती है। और इस क्लास से आपको एक डीप एनालिसिस डेवलप होगी, जिससे कि आप इन दोनों के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं उनको बखूबी अंतर के साथ और समानता के साथ दोनों ही तरीक़ों से हम देखेंगे इसमें क्या समानताएँ हैं और क्या अंतर हैं, तो इस पर आप एक डीप अध्ययन करेंगे। तो ये अपना वही पारंपरिक तरीका जो है लिस्टिंग के द्वारा करेंगे। आप बना लीजिए ऐसे ही, एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए और एक तरफ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में इनका वर्णन कहाँ किया गया है। सबसे पहले इसको चीज़ को देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो विवरण है वो आपको भाग पाँच में मिलेगा, भाग पाँच में। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक आपको हमने पढ़ाया है, वहाँ पे मिलेगा। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का जो संबंधित प्रावधान है वो भाग 6 में आपको मिलेंगे, भाग 6 में। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, 232 तक। तो ये तो एक छोटा सा आइडिया हो गया कि इनको हम कहाँ देख सकते हैं अपने संविधान में। अब चलिए हम बात करते हैं इनके गठन की, कहाँ पर स्थित हैं, न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? उच्च न्यायालय राज्य के सबसे बड़े न्यायालय हैं, भारत के दूसरे और राज्य के सबसे बड़े न्यायालय हैं ये। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो इसकी संख्या 1 है और उच्च न्यायालय की बात करें तो इनकी संख्या 25 है। तो आप क्या लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? भारत में 1 है, भारत में 1 है। और इसका स्थान क्या है? जब 1 है तो कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। हालांकि अन्य जगह भी सुनवाई कर सकता है ये, अन्य जगह भी सुनवाई कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कर सकता है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अतिरिक्त कहीं अन्य जगह पर बैठ के मुकदमा कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, हालांकि इसका स्थान जो है वो दिल्ली निर्धारित किया गया है। अब जो उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालय की संख्या है 25। वर्तमान में जो हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? 25, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, और 25 हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि 1 है, यहाँ पर 25 हैं, तो यहाँ पर संसद को ये अधिकार दिया गया है कि 1 से अधिक राज्यों या राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक जो है एक ही न्यायालय का प्रावधान कर सकता है, इसीलिए संख्या इसकी कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें क्या है? संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को शक्ति है कि वह 1 से अधिक, अगर 1 के लिए 1 होता तो जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट होने चाहिए थे, लेकिन संसद के पास पावर है कि वह 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही न्यायालय स्थापित कर सकता है, एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि गुवाहाटी का एग्जाम्पल आपने देखा था कि गुवाहाटी सबसे अधिक राज्यों, 4 राज्यों का कार्य देखता है। तो इस तरह से हमने 2-3 बातें इसकी स्थापना से रिलेटेड देखी।
न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है और इसमें पहले से तय है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में जो है 34 टोटल न्यायाधीश का प्रावधान इसमें है वर्तमान में। तो यहाँ पर जो लिखेंगे आप कि जो न्यायाधीश की संख्या है, यहाँ पर संख्या वो कितनी है, 34 है, निर्धारित है, ये 34 निर्धारित की गई है। ये क्या है, 1+33 है। 1+33 का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। यहाँ पर ये संख्या निर्धारित है। इस संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको है, समय समय पर बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जा सकती है, तो इस संख्या को अगर बदलना है, बढ़ाना है, तो संसद को ये पावर दी गई है। तो यहाँ पर संसद को शक्ति है, संसद जो है वह न्यायाधीशों की संख्या बदल सकती है, की संख्या बढ़ा सकती है। अगर कल को उसे लगता है कि 40 न्यायाधीश की ज़रूरत है तो सर्वोच्च न्यायालय में वो 34 की जगह 40 कर सकता है, एक्ट ला करके संसद ऐसा कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, डिफाइन नहीं है। राष्ट्रपति तय करते हैं कि कितनी संख्या होगी, समय समय पर राष्ट्रपति जो है संख्या बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर पावर संसद को दी गई है और यहाँ पर आपसे कह देगा कि क्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल ऐसा कर सकता है, तो नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति को पावर दी गई है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उच्च न्यायालय में क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, पहली चीज़ तो ये देखें, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि कुछ भी आप रख लेंगे, राष्ट्रपति तय कर देंगे, यानी संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। मुख्य चीज़ है कि संविधान में ऐसा नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति संख्या निर्धारित करते हैं, संख्या निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर खास चीज़ आप जो देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है और यहाँ पर राष्ट्रपति को है। तो आप इन तीन चार चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ लिए। अब देखिए, चूँकि यहाँ भी न्यायाधीश हैं, यहाँ भी न्यायाधीश हैं, तो इनकी नियुक्ति से संबंधित क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं, तो एक तो पहली चीज़ समानता है, वो देखें, फिर हम और आगे चीज़ें देखें। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीश निर्वाचित नहीं है, नियुक्त की जाती है, कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ भी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब अंतर क्या है नियुक्ति के प्रोसेस में, थोड़ा सा अंतर है वो आपको जानना है। सर्वोच्च न्यायालय में, अब देखिए, पहले हमने आपको एक कॉलेजियम सिस्टम पढ़ाया था कि नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं, वो एक कॉलेजियम सिस्टम है, उसकी सलाह से करते हैं। तो कॉलेजियम में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो वह चार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे सलाह ले करके, यानी पांच लोग मिलकर के सलाह देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे तो वह दो वरिष्ठतम न्यायाधीश से सलाह करेंगे। तो यहाँ पर पांच लोग और यहाँ पर तीन लोगों की न्यायाधीशों की टीम हो जाती है। बाकी और थोड़े से अंतर हैं, उनको हम डिटेल में आपको पढ़ाए थे, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, लिखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के CJ, देखिए शॉर्टकट में चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देंगे,
तो वह सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठ, लिखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि किसी चार से ले लेंगे, वरिष्ठ जो होंगे, चार अन्य वरिष्ठ जज से मशविरा करेंगे। और कॉलेजियम सिस्टम में पूरा हम बता चुके हैं कि कैसे निर्णय होगा यहाँ पे। और यहाँ CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल दो सुप्रीम कोर्ट के, केवल सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य वरिष्ठ यहाँ भी रहेंगे। देखिए, वरिष्ठ जज से सलाह करेंगे। देखिए, एक तो अंतर यह बनता है, यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा तो वो चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह ले करके तब राष्ट्रपति को देंगे, और अगर हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति हो रही है तो सिर्फ दो से ही पूछना काफ़ी होगा। तो इस तरह से ये अंतर होता है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ राज्यपाल की भूमिका भी हमने आपको बताई थी, इधर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। अब योग्यता की बात करते हैं, इतने अंतर आप समझ गए होंगे। इसी टेबल में हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। योग्यता में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता में थोड़ा सा अंतर है, उस बारीकी को आपको समझना है। देखिए क्या अंतर है, अगर आप इस तरह से एक बार पढ़ लिए तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट भी आपका तैयार हो जाएगा और हाई कोर्ट भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, योग्यता की हम बात करें, यहाँ पर योग्यता की तो दो योग्यताएं हैं, सिर्फ दो योग्यताएं हैं। पहली तो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होना बताया गया है। इसके बाद दूसरी योग्यता में तीन बातें बताई गई हैं, पहली योग्यता में भारत का नागरिक और दूसरी योग्यता में तीन चीज़ें हैं, तीन में से कोई एक। तो उसमें शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, या तो वो जो है हाई कोर्ट में 5 वर्ष वो न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो, या फिर तीसरी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। इनमें से कोई एक, यानी कि इन तीन में से कोई एक हो प्लस भारत का नागरिक हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन यहीं पर जब आप उच्च न्यायालय में जाएंगे तो उच्च न्यायालय की तरफ में आपको देखना है कि क्या अंतर पड़ता है। उच्च न्यायालय में पहली चीज़ तो वही है, देखिए भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक तो इधर भी हो सकता है, ये पहली योग्यता है। और दूसरी योग्यता में सिर्फ दो बातें कही गई हैं, पहली बात ये कही गई है भारत में 10 वर्ष न्यायिक कार्य में रहा हो, उसको अनुभव हो 10 वर्ष का किसी न्यायिक पद पे रहा हो, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो उसने। ये दो चीज़ें ही वहाँ पर हैं। राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता होना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक योग्यता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपसे बन सकता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता है और वो भारत का नागरिक है तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इन तीन में से कोई एक ही योग्यता चाहिए होगी। और यहाँ पर वो नहीं बन सकता है, यहाँ पर राष्ट्रपति की नज़र में यदि कोई व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता है यानी कानून का जानकार है और भारत का नागरिक है, लेकिन वो हाईकोर्ट का जज नहीं बन सकता है। यहाँ पर इनमें से दो ही होनी चाहिए, दो में से कोई एक और ये। तो इस तरह से आपको ये बारीक अंतर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कार्यकाल यानी कितने वर्ष तक जो है ये अपने पद पे रहते हैं, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश ये 65 वर्ष तक पद पर रहते हैं,
पद पर रहते हैं। और जब हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 62 वर्ष तक है और यहाँ पर 65 वर्ष तक है। जब हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की क्लास किए थे तो इन न्यायाधीशों के अलावा कुछ और शब्दावली आई थी, जैसे कि जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जस्टिस होते थे तदर्थ न्यायाधीश, लेकिन उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं। तो एक अंतर ये बनता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पे नियुक्ति होती है तदर्थ न्यायाधीशों की। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश नहीं हैं, न्यायाधीश नहीं होते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय को आपने पढ़ा था तो यहाँ पर आपने देखा था कि एडिशनल जज होते हैं, यानी अपर न्यायाधीश रखे जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए यहाँ पर एडिशनल जज रखे जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश इधर हैं तो तदर्थ न्यायाधीश इधर नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अपर न्यायाधीश एडिशनल जज, अपर न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में। और यहाँ पर आप देखोगे तो अपर न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए। कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपर न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, रखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल बराबरी वाली बात है, तदर्थ न्यायाधीश इधर हैं तो उधर नहीं है, अपर वाले उधर हैं तो अपर इधर नहीं है। तो इस तरह से न्यायाधीशों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। शपथ की बात पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा किसी नामित व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है, और यहाँ पर राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। अब अगर हम न्यायाधीशों को हटाने की बात कर लें, अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति को आपने समझ लिया है तो हटाने की बात भी की जा सकती है कि क्या हटाने के लिए कोई प्रोसेस में अंतर है, अलग अलग है, क्या है? तो सेम प्रोसेस है दोनों जगह पर। देखिए, अगर हम हटाया जाना न्यायाधीशों को तो यहाँ पर 2 आधार पे हटाया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो और चाहे वो जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। हटाने के लिए आधार यानी कारण दोनों जगह सेम हैं, 2 कारण पे ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटा सकते हैं। क्या आधार हैं? एक तो आधार है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर जिसको बोलते हैं सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार का मतलब ये है कि हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसके द्वारा जो गलती की गई है उसको सिद्ध करना पड़ेगा, यानी सिद्ध होने के बाद। राष्ट्रपति के मामले में सिद्ध कदाचार नहीं कहा गया है, यानी कि पहले ही यहाँ पर सिद्ध किया जाता है, इसके लिए बाकायदा कमेटी बनती है, हम इसको पढ़ा चुके हैं डिटेल में। और दूसरा जो है वो है असमर्थता, इनकैपेबिलिटी, असमर्थता। यहाँ पर भी वही दोनों आपको दिखाई पड़ते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इनकैपेबिलिटी। और ये प्रोसेस संसद में किया जाएगा, संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाएगी, और ये प्रोसेस भी संसद में ही किया जाएगा, संसद में महाभियोग। यानी कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने के लिए वही सेम प्रोसेस संसद में किया जाता है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए विधानमंडल में यानी राज्य की विधानसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं शुरू की जा सकती है। जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको अगर हटाना है तो उसके लिए संसद में ही कार्रवाई
की जाएगी। तो इस तरह से ये एक समानता आप देखते हैं। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन में अंतर भी देखना है और समानता भी देखना है। तो ये तो जज के नियुक्ति और हटाए जाने की बात है। अब एक बहुत खूबसूरत प्रश्न बन सकता है जज के वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर के, बहुत बारीक है, हालांकि जो है आम बोलचाल में यही कहा जाता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते इत्यादि जैसे एक ही समान प्रक्रियाएं हैं, लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कुछ बारीक अंतर हैं, उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, इनके जैसे वेतन भत्तों की बात करें, वेतन भत्ते पेंशन, तीन बड़ी बातें कर सकते हैं हम। वेतन भत्ते पेंशन ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित हैं, चार्ज हैं उस पर, भारित हैं। कमेंट करके बताइए कि भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि जो होती हैं तीनों, इन तीनों से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है पहले से ही। तो भारत की संचित निधि पर भारित होने का मतलब ये है कि संसद इस पर वोटिंग नहीं कर सकती है, और इनकी सेवा काल के दौरान जो है इनके इन सेवा शर्तों में, सेवा शर्तों में वेतन भत्ते पेंशन और अन्य सुविधाएं, इनमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नकारात्मक का मतलब है कम नहीं कर सकते हैं। अगर कभी इस तरह कथन में आ जाए कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वो गलत हो जाएगा। परिवर्तन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन यानी घटाया नहीं जा सकता है। तो वेतन भत्ते पेंशन किससे दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज्ड होते हैं, तथा सेवा काल में यानी जब कोई न्यायाधीश भर्ती हुआ है, अरे नियुक्त हुआ है, उस समय उसे जितना वेतन भत्ता सेवा शर्तें निश्चित की गई थी, उस समय जो भी चल रहा था उसमें कटौती उसके कार्यकाल के दौरान नहीं की जाएगी, बढ़ोतरी की जा सकती है। तो सेवा काल में इनमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज़ इधर भी है, बिल्कुल सेम चीज़ है, इसी तरह है, यानी सुप्रीम कोर्ट के समान ही है, लेकिन बस एक अंतर है, उसे आप जान लें, बाकी सेम यही चीज़ है। यहाँ पर भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है, वो जान लें कि यहाँ पर देखिए वेतन भत्ते ये जो होते हैं ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से। और पेंशन जो होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जा सकती है, दी जाती है, सकती नहीं, दी जाती है संचित निधि से। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, कि अक्सर आपको लगता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, ऐसा सुनते हैं आप, बोलते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखिए, यहाँ पर वेतन और भत्ते तो राज्य की संचित निधि पे हैं, लेकिन पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनेगा कि जब राज्य की बात हो रही है तो आप यहाँ भी राज्य को ही समझ लेंगे। सीधे क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट के जज की पेंशन किस पे भारित होती है, राज्य की संचित निधि पे या भारत की संचित निधि पे। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे विश्लेषण निकलेगा, बाकी ये वाली जो बात है वो सेम सेम इधर भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों से संबंधित चीज़ें हैं जो दोनों तरफ आप देखते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली हैं, तो ये न्यायाधीशों से नियुक्तियाँ, वेतन भत्ते, पेंशन हटाया जाना इत्यादि से रिलेटेड बातें थी। अब चलिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ पावर्स की तुलना करते हैं, शक्तियों की तुलना करते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के मायने भी हम लोग बताए थे, दो मायने होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, अभिलेख न्यायालय।
अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये आपका जो है आर्टिकल 129 129 में दिया गया है। तो क्या उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है? बिल्कुल यह भी हैं। यहाँ भी देखिए आर्टिकल 215 हाई कोर्ट भी क्या है? अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होने का क्या मतलब होता है? अभिलेख न्यायालय होने का दो मतलब है। पहली चीज़ देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो देखिए ये क्या है कि इसके निर्णय, इसके निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। पूरी बात अभी आप समझ जाएंगे। जो अन्य न्यायालयों में यानी सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे हैं, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि में, जो अन्य न्यायालयों में नज़ीर के रूप में रखे जा सकते हैं, रखे जाते हैं, यानी ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसीडेंट, यानी पूर्व निर्णय का सिद्धांत इसे कहा जाता है। देखिए अभी बहुत बारीक चीज़ आपको समझनी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या होता है? ये भी अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब है कि यह जो भी फैसला देता है वो रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है और उसे अन्य न्यायालय में यानी अन्य हाईकोर्ट्स में इत्यादि में नज़ीर के रूप में यानी प्रीसीडेंट, पूर्व निर्णय, उदाहरण, मिलान के रूप में रखा जाता है। आपने अक्सर फिल्मों में या देखा होगा कोर्ट रूम में लोग जब वकील बहस करते हैं तो वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फला केस में इस तरह का निर्णय दिया था, उसका हवाला देते हैं अगर संबंधित सेम वैसा ही कोई मामला होता है। तो ये होता है अभिलेख न्यायालय होने का मतलब। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या मतलब होती है? अभिलेख न्यायालय होने का दूसरा मतलब ये होता है कि अवमानना, अवमानना पर दंड दे सकता है, यानी कि अगर इसका फैसला कोई नहीं मानता है, उसकी अवमानना करता है यानी कि डिसओबे करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह उसे दंडित कर सकता है, कारावास भी दे सकता है, आर्थिक दंड भी दे सकता है। और यही बिल्कुल सेम चीज़ इधर भी लागू है, लेकिन यह उल्टा क्रम में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है वह हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है, लेकिन जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा वह सुप्रीम कोर्ट में बाध्य नहीं करेगा जा करके कि सुप्रीम कोर्ट उसे माने, वह उसके नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों में लागू होगा। यानी कि यह भी अभिलेख न्यायालय है तो इसका भी वही सेम मतलब है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में प्रीसीडेंट के रूप में माने जाते हैं, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय इत्यादि में, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मान नहीं सकते, लेकिन बाध्यकारी नहीं हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर देखिए कि हाई कोर्ट जो निर्णय करता है वह सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है वो उसको हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। बाकी सेम है। वैसे अब इसके भी रिकॉर्ड जो है रखे जाते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में, और यह भी अवमानना पर दंड दे सकता है, अवमानना पर दंड दे सकता है। और साथ ही साथ में इसको एक और पावर है कि जो हाईकोर्ट होता है वह
अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी दंड देने का प्रावधान करता है। जैसे कि जिला एवं सत्र न्यायालय की अगर अवमानना आप करते हैं तो उसके लिए दंड हाईकोर्ट दे सकता है। तो यहाँ अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना पर भी दंड देने की शक्ति रखता है, दंड देने की शक्ति रखता है। देखिए अभिलेख न्यायालय होने का बिल्कुल सेम मतलब जो इधर है वही सेम मतलब इधर है, बस थोड़ा सा अंतर हमने बता दिया कि यहाँ पर जो नज़ीर है वो सब कहीं लागू है, लेकिन यहाँ की नज़ीर सुप्रीम कोर्ट में ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर आप दे सकते हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है, मानना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरह से है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है इसको सुप्रीम कोर्ट ही चाहे तो बदल सकता है। आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकता है, लेकिन निर्णय बदलने के लिए पिछले निर्णय में जितने जजों ने निर्णय दिया था उससे अधिक की बेंच जब बैठेगी तभी निर्णय में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तो हमने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था, तो उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ में तुलना करते हैं, रिट जारी करने का अधिकार। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं यानी न्यायाधीश दे सकते हैं। तो रिट जारी करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है वो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। पांच रिट जारी करता है, कर सकता है। पांचों रिट आपको हमने पढ़ाई हुई डिटेल में। यहाँ पे खास चीज़ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आर्टिकल 32 और मौलिक अधिकार, इसके तहत रिट जारी कर सकता है पूरे भारत क्षेत्र में। उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत पांच रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये जो है दोनों जगह जारी कर सकता है दो चीज़ों के लिए। देखिए मौलिक अधिकार के संबंध में और अन्य मामलों में भी देखिए एक अंतर है। यहाँ पर जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है वह केवल और केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन सी पांच प्रकार की रिट होती हैं उनके नाम आप कमेंट करके बताएं। लेकिन हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर्स है रिट जारी करने के संदर्भ में, क्या है कि ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी जारी कर सकता है और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। रिट वही पांच हैं लेकिन इसमें देखिए इसका क्षेत्र ज़्यादा है, फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और अन्य राइट्स के लिए। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो हाई कोर्ट है उसका रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से ज़्यादा है, तो आपका उत्तर होगा हाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी बात। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर जो रिट जारी करने का अधिकार है और यहाँ पर जो रिट जारी करने का अधिकार है इसमें एक बहुत ही अच्छा अंतर है, वो ये है कि आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कराने का अधिकार स्वयं में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है और आर्टिकल 32 इसी में आता है, यानी यहाँ पर रिट जारी कराने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है लेकिन यहाँ पर रिट जारी करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है।
रिट तो जारी होगी, उसका प्रभाव भी वैसा होगा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हालांकि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी की जाएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। आप लिख सकते हैं कि नोट आर्टिकल 32 स्वयं भी फंडामेंटल राइट है, यानी फंडामेंटल राइट की रक्षा भी करता है और स्वयं भी ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि रिट जारी करवा लेना भी आपका अधिकार है, इनकार नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 226 स्वयं फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो रिट नहीं भी जारी कर सकता है, तो आप उसमें दबाव नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे वो स्वयं फंडामेंटल राइट्स है, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये अंतर भी आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। देखिए अब इस चीज़ से क्या करता है, इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं, दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है? क्या जवाब होगा आपका, दोनों हैं। संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हैं, लेकिन संविधान का व्याख्याकर्ता इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। आपको काफ़ी बार हमने बताया कि अगर संविधान में किसी शब्द या किसी अनुच्छेद या किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो, जैसे आर्टिकल 21 की व्याख्या करनी हो, तो वह हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है, हाई कोर्ट के पास में नहीं है, लेकिन रक्षा करने का अधिकार दोनों के पास में है। रक्षा तो आप देख ही रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये संविधान की रक्षा एवं व्याख्या करता है, व्याख्या करता है, और यहाँ पर यह संविधान की रक्षा तो करता है, संविधान की रक्षा करता है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं कर सकता। अब व्याख्या करने का मतलब हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, जैसे आर्टिकल 21 में कहा गया जीवन जीने का अधिकार है लोगों को, यानी कि बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया की किसी का जीवन नहीं लिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आप देखते हो समय समय पर उसमें चीज़ें बढ़ाता है कि सोने का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में है, इंटरनेट पाने का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में है। तो संविधान की व्याख्या करता रहता है वो, यानी उसमें चीज़ों का मतलब समझाता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई मुद्दा आ जाएगा तो वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वही उसकी व्याख्या करेगा। तो ये एक अंतर है। दूसरी चीज़, शक्तियों की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है मशविरा मांग सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से, ना कि हाई कोर्ट से। तो आर्टिकल 143 के तहत, यहाँ देखिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब इस पर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते वक्त डिटेल में बताया था कि सलाह कब देना ज़रूरी है, कब देना ज़रूरी नहीं है, यानी कब इनकार कर सकते हैं, कब नहीं इनकार कर सकते हैं, और राष्ट्रपति सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। इसको फिर से आप देखिएगा, परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है, एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसको डिटेल में समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बारीक क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। तो उसमें दो चीज़ें हमने बताई थी कि कुछ मामलों में सलाह देना पड़ेगा यानी बाध्य है, और बाकी मामलों में बाध्य नहीं है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसमें हमने बताया था कि वो बाध्य नहीं है, किसी भी मामले में बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में, जैसे कि संविधान लागू होने से पहले की जो संधियां, समझौते और कानून हैं, उसके इंटरप्रिटेशन की बात आ जाएगी, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति सलाह मांगेगा
तो सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता है। बाकी मामलों में कर सकता है, जैसे राम मंदिर मामले में एक बार सलाह मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया था। तो इस तरह से, और राष्ट्रपति जो है वो हमेशा उसके पास पावर है कि वो सलाह माने या ना माने। तो ऐसी शक्ति यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने की पावर यहाँ नहीं है। राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो एक चीज़ ये आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू पे पूरी एक क्लास हमने की हुई है और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट भी आया और शायद वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया होगा कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या उच्च न्यायालय संसद के कानून की भी समीक्षा कर सकता है। तो अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और हाई कोर्ट ये भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक समीक्षा। और ये केंद्र प्लस राज्य दोनों, यहाँ भी केंद्र और राज्य दोनों है, दोनों। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट राज्य का है तो वो केंद्र के कानून की समीक्षा नहीं कर सकता है, ऐसा भ्रम में न रहिएगा। जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उस संसद के कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी उसे विधिशून्य घोषित कर सकता है। तो ये दोनों को पावर्स मिली हुई हैं न्यायिक समीक्षा करने की। अब देखिए एक चीज़ और देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई स्थायी न्यायाधीश जो होता है वो रिटायर हो जाता है 65 के बाद में, तो वह कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। यानी कि आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज, वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, देखिए हाई सभी हाई कोर्ट में नहीं, जिस हाई कोर्ट में वो जज रहा होगा उसको छोड़कर, तो यहाँ पे लिख लें हाई कोर्ट जिसमें वह जज रहा हो उसे छोड़कर इन दोनों जगह में वकालत कर सकता है, वकालत कर सकता है। देखिए बहुत बारीक चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा, न्यायाधीश होगा, वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, और जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो जज था नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है और हाई कोर्ट में कर सकता है। 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं, मान लेते हैं कि वो किसी एक हाई कोर्ट में जज रहा होगा और ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा तो हो सकता है ट्रांसफ़र होके किसी एक बिहार या किसी और उसमें गया हो, तो हो सकता है कि वो एक हाई कोर्ट में जज रहा हो या दो हाई कोर्ट में या बहुत मैक्सिमम तीन में रहा हो। तो उन हाई कोर्ट को छोड़ करके जहाँ जहाँ पर वह न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका था उनमें वो वकालत नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे उसकी छवि धूमिल होती है। बाकी अन्य हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है रिटायर होने के बाद में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को पावर है कि वह अपने अधिकारी और सेवकों की भर्ती कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए जो ऑफिसर्स उनको चाहिए, जो बाबू क्लर्क, क्लर्क या स्टाफ जो भी है, फोर्थ क्लास से लेकर के ऊपर तक जितने भी कर्मचारी लगते हैं प्रशासनिक, वो सभी अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट
स्वयं कर सकता है। क्यों? यह सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, ताकि इसमें जो है हस्तक्षेप कोई अन्य ना करे, स्वतंत्रता में बाधक ना बने। और यही समान शक्ति उच्च न्यायालय को भी है कि यह भी अपने कार्मिकों की यानी अपने सेवकों की भर्ती कर सकता है। इनकी सेवा शर्तें, जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं, उनको निर्धारित करने से पहले उन्हें राज्यपाल से सलाह लेनी होती है। बाकी वो डिसाइड कर सकते हैं, योग्यताएँ वगैरह और भर्ती की प्रक्रिया डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी है, तो अपने कार्मिकों की भर्ती करने के लिए दोनों ही स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से इस क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। और इस अध्ययन के द्वारा अगर सिर्फ इसी क्लास को आप अच्छे से देख लेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के विषय में बहुत कुछ जान जाएंगे और हाई कोर्ट के विषय में भी आप काफ़ी चीज़ें जान गए होंगे और आंसर राइटिंग कर लेंगे। साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बनेंगे वो आप कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के बाद में हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।